ଜୁହାର ଦାଦା। ଜୁହାର, ଇ କା କରିଛି ଦାଦା? ଇ ଫେଚକା କରତ ହଁ। କା କର ବାସ୍ତେ ଫେଚକା କରତି? ଇ କର ମେ ବିମାରୀ ଲାଗେ ଏଗୋ ଇ ଫଲ ସଡ଼ନ। ଆଚ୍ଛା। ଆର ଏଗୋ ଇ କିଡ଼ା ମାର ବାଲା ଯେ କି ଫଲ କେ ଛେଦା କରତ ହେ ଉକର ବାସ୍ତେ। ଇ କର ବାସ୍ତେ କା କା ଦବାଈ କେ ଦେବା ଥି? ଇ କର ମେ ଦବାଈ ହେ ଇ ଦୁ କିସିମ କର ଦବାଈ କେ ମେସା ହଁ। ଇ କର ମେ ଏଗୋ କର ନାମ ହେ ନାଇଟ୍ରୋକେଲ ଫଲ ସଡ଼ନ ବାଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆର କିଡ଼ା ମାରଲେ କରାଟେ कैसे मात्रा में मिला जाएगा? कि मात्रा में नाइट्रोकेल कर एक लीटर पानी में 5 ग्राम। कैसे सड़ाते से करते के नाइट्रोकेल के फिचका करती? सड़न के दिखाते कोठो कैसे सही है शिकर लगी दिखाती सड़न बीमारी? तो बहुत सा सड़न तो नहीं दिखा तो यहाँ सड़न बीमारी है मैं दिखाऊं। अच्छा दिखाता हूँ सड़न बीमारी। हाँ इस प्रकार है फल कर पेंदी में मतलब काला दाग होते। अच्छा। अरे सड़ते सड़ते ऊपर तक जाते तक सड़ जाए। हाँ, हाँ। ते है बीमारी ले नाइट्रोकेल। अच्छा। और कीड़ा कैसन कीड़ा? कीड़ा है ये दे देख ले दादा ये दे इस टाइप कर छेदा करत है और बड़का बड़का कीड़ा है ये है कीड़ा है ये कीड़ा। अच्छा। ये तो इकर वास्ते कीड़ा कर वास्ते कौन दवाई के देवतीस? कीड़ा कर वास्ते कराटे दवाई है। अच्छा। के कितना मात्रा में देवतीस? इके एक लीटर पानी में 2 ml कर हिसाब से घोल बनाए के मतलब 10 dB है तो इके मतलब 20 L पानी चाहिए। अच्छा। 10 dB में तो 10 × 20 = 40 ml दवा दवा चाहिए। हाँ। और तो पूरा के एकदम पौधा के गाय खाए नीचे से ऊपर मारे खाए। अच्छा। फेचका के और कीड़ा जो है से कभी कभी ऐसा है ना कि पत्ती के अंदर छिपल रहे ना। अच्छा। सिले दुयो बार से मारे खाए ऊपर से भी ऐसा और नीचे से भी। अच्छा। पूरा एकदम पौधा के भींग जाए चाहिए पौधा। तो इकर वास्ते तो दादा 10 dB में 20 L पानी हो जाए? हो जाएला। अच्छा। इकर हिसाब है हो जाए जाएला 10 dB में 20 L पानी हो जाएला। हाँ। तो इके देवल कर बाद तोर खेत में कंट्रोल हो जा है पूरा? हाँ एखन तक कुछ तो कम हो है एक आध दू गो पहला बार मार हो और दूसरा बार और चला था। अच्छा। एखन तो उम्मीद है कि दूसरा बार में खत्म हो जाब है नी? हाँ 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 हो जाब। अच्छा ठीक। तो और ये बताओ कि इकर में और कोनो कोनो बीमारी लागेला कि बस ये सड़न बीमारी और कीड़ा खाना? बीमारी तो एखन तो खास कर सड़न बीमारी फल सड़न और ये कीड़ा वाला बीमारी है। अच्छा। इतने ज्यादातर ये आसपास भी है ये पूरा छेद कर दे है छेदा कर कीड़ा खा ले के कीड़ा खा ले के। हाँ कीड़ा खा ले के कीड़ा खा ले पूरा बहुत नुकसान कर दे बहुत नुकसान करे ना इके अगर की दवा नहीं देले नहीं बहुत नुकसान कर दे। अच्छा। तो और जैसे ना और का चीज कर वास्ते कर में फिचका करल जाएला? फिचका तो इके और कई रहो मैं आगे। अच्छा। विटामिन वास्ते दवाई फिचका के विटामिन बायो अमृत। अच्छा। इकर में फिचका हो उके कैसन मात्रा में फिचका के रिस? उके 1 L पानी में 2 ml। अच्छा। उके भी हाँ। तो 10 dB है तो 20 L पानी में घोल के उके एक बार फिचका करे खोल की और नहीं उके भी 2-3 कर ले और ज्यादा फल फूल आवेला। अच्छा। ये तो आप तो एखन तो फैल चुकलक। हाँ। बहुत कम फूल है इकर समय जो है से अब बीत चुकलक। हाँ। अच्छा मतलब गाछ बूढ़ा हो गया? बूढ़ा हो गया गाछ कि आगे जे खन फूल भरखर रही से खन फिचका मारे खाए भरखर फूल से खन। तो अच्छा दादा ये सड़न बीमारी कैसन में लगेला ये बीमारी? हाँ इकर में जैसे सड़न बीमारी जेते हैं बताले और ये दिखा था टमाटर के तो ये टमाटर में ये बीमारी कैसन में लगला? ये बीमारी जो है से मिट्टी में पोषक तत्व की कमी से बीमारी जो है से सड़ेला। तो जैसे हमरे मतलब बरसात में खेती करीला। हाँ। तो बरसात में अनेकों तरह कर बीमारी लगेला कहे की तो प्रकृति कर विरुद्ध हमरे जो है से खेती करा थी। अच्छा। है नी? हाँ। सेकर से ज्यादा बीमारी लगेला तो मिट्टी में जो पोषक तत्व कैल्शियम कर कमी से सड़न हो सड़न हो गया। अच्छा। तो इकर कमी के पूरा करे के लिए का चीज दे चाहिए हमारे? इकर ना दवा फेचका खा दवा है ये नियर। अच्छा। ये दवा है। अच्छा
ई दवा है नाइट्रोकेल कैल्शियम नाइट कैल्शियम नाइट्राइड हाँ अच्छा। में कैल्शियम कर मात्रा भी है अच्छा। और शेकर सही के बचा है बचा है ला है नहीं मतलब कैल्शियम पूरा करे ला ही है नहीं हाँ हाँ नाइट्रोकेल हाँ जेकी के दोनों बटे देखा है अच्छा पिंदरी बटे भी और हाँ हाँ ऊपर से भी देखा है और कीड़ा करवास्ते ई दवा है जैसे नहीं कीड़ा भी खाते हैं कीड़ा ही खाते हैं अच्छा तो ई के कराटे अच्छा ई कराटे कराटे है हाँ कराटे पांच ई सी नहीं हाँ हाँ अच्छा तो ई के कितना मात्रा में देवल जाए लाइके एक लीटर में 2 ml 2 ml अच्छा। कर हिसाब से के तो मतलब 10 dB में 10 dB में 20 L पानी लगेगा 20 L तो 40 ml लगे हाँ। उतना के देना ही है तब जो है से बढ़िया हो अच्छा। अगर दवा कर मात्रा कम होलक पानी ज्यादा होलक हल भी काम नहीं करी इसलिए एकदम अच्छा, सही तो मिला है के ई दवाई के कीड़ा दिखे तब स्प्रे करे खाए कि नहीं में भी पहले भी स्प्रे नहीं के पहले भी करे चाहिए कीड़ा बहुत सूक्ष्म कीड़ा रहे ना जे की बाहर से देख ले नजर में नहीं आवे ना अच्छा। हाँ तो बाद में है कीड़ा मोटा हो जाए ना तब नजर में दिखे इसलिए के जल्दी मतलब करते जाए फल लागला कौड़ी के देते जाए फल लागला कौड़ी के देख शुरू करे खाए सप्ताह में कम से कम 2 बार हाँ। मतलब 4-5 दिन हाँ, चार पांच दिन के अंतराल में देते जाए अच्छा। तो कितना खर्चा होगी उतना है जैसे 4-5 दिन में दो अब तो जैसे दादा बहुत से लगा है तो खर्चा उकर में कितना 10 dB खर्चा कितना पड़ेगा 10 dB कर खर्चा तो जैसे इकर में है 100 ml है 100 ml तो 2 बार 3 बार बनी 3 बार बन जाए हाँ, मोटा मोटा तो उतना तक के फसल निकल जाए निकल जाए हाँ। और इके फर्स्ट जो है से दवा दे रहे नहीं हल इतना कीड़ा नहीं नहीं प्रकोप करवाई नहीं हाँ हाँ अच्छा तो इकर तो ई हो गए और नाइट्रो के कितना मात्रा में बता रही दादा ओके ओके बता रहा हूँ मैं 20 L पानी में 100 g अच्छा तो मतलब 1 L पानी में 5 g कर हिसाब से ओके घोल बना के करे का ओके का एक दिन में करे खोएला ओके भी 4-4 दिन के अंतराल में कर ले बहुत अच्छा है जैसे से एक जैसे फल आलक हां और इसमें हल्का दिसलक काला दाग और शुरू करे का ही नहीं बाद में देले ही काम उतना करी भी तो पहले से सड़ जा रही तो हां हां फायदा नहीं नुकसान है जिससे पहले से फल आलक और शुरू कर दे चाहिए अच्छा दादा कम से कम 2-3 बार अच्छा दादा तो फिसका पहले से करे चाहिए कि बाद में लागिन से खन शुरू हो जाए तब देख चाहिए फिसका तो जेखन पौधा छोट रहे नहीं अच्छा और फल जो है से छोटा छोटा रहेला अच्छा। ई नियर रहेला अच्छा। ओहे खन से फिसका करे बहुत जरूरी है नहीं हाँ और अच्छा। काले की मतलब जैसे पोलियो जो है से दवाई दिल जाए अच्छा, छोटे से अच्छा तब छुआ जो है से ठीक ठाक रहे ना या टीकाकरण भी माँ कर गर्भवती जेखन अच्छा, रहे से खन से टीकाकरण देन अच्छा, तो लिखे इके भी मतलब छोटे खन से फिचका करे अच्छा, खाए तो छोटा पौधा रहल सीखो खन फिचका देवे चाहिए हाँ देवे चाहिए तब जुन मतलब वो तगड़ा हो के उठी तो छोटे खन से वो रोग ग्रस्त रही तो बड़ा नहीं हो पारी और वो हिस्ट पुष्ट नहीं रही अच्छा तो उकर ले छोटा समय में कौन सा दवाई मन के देवे खोला छोटा समय में रोग से बचे के लिए रेडोमिल के देवे अच्छा। खोला और चमक के देख खोला अच्छा, चमक रेडोमिल हाँ। और का कौन दवाई की है और है विटामिन बायो अमृत हाँ बायो अमृत के देख देख खोला छोटे समय भी एक बार देवे चाहिए देवे चाहिए हाँ अच्छा ताकि पौधा हिस्ट पुष्ट रही तब नहीं ऊपर तगड़ा माय कर नहीं तगड़ा बच्चा की तगड़ा छुआ रही है तगड़ा हिस्ट पुष्ट है अच्छा बात है नहीं हाँ। तो रेडोमिल के कैसन मात्रा में देवे खोला रेडोमिल के भी 1 L पानी में 2 g कर हिसाब अच्छा। से घोले खा अच्छा तो 2 g 1 L पानी में नहीं हाँ हाँ अच्छा और एक कौन सा दवाई बता रही और बता रहा हूँ क्रोसिन की हाँ क्रोसिन दिल जाएला वो सब तो
गाछियो बेरा देल जायला। अच्छा, गाछियो बेरा। हाँ, और बाद में भी देल जायला, पतई मन काकड़ा कुकुरु हैला नी। अच्छा, और ठुमक रहे बाढ़बो नहीं करेला। अच्छा, पतई नियर काकड़ा कुकुरु दिसेल नी। अच्छा, नियर ऐसन दिखे नी। हाँ, काकड़ा कुकुरु देख चाहिए एकदम क्लियर, पौधा नहाए जाए चाहिए, पूरा पत्ता से फल से ताना तक एकदम भींग जाए चाहिए। अच्छा, हाँ, तो नहीं असर करी। काम में असर नहीं करी पूरा एकदम इनियर। अच्छा, हाँ ईशान देख है। अच्छा दादा, ये फेचका तो इतना कर दे लेते हैं और तोर हाथ मने भी देखा तो तनी दवाई मन छिटक जा है और ये फल में इतना लग जाए, फल के तोड़े से कोई नुकसानी तो नहीं करी और तोर हाथ मने ऐसा जैसे छिटकल गलत तो नहीं तो नहीं करी, नुकसान नहीं हुई। लेकिन बात ऐसा है, जैसन दवा छिड़का एक बरा नहीं, जैसन हीने से हुने हवा जाते, हुने हवा जाते वो बटे। अच्छा, तो हीने से छिड़काव करते हुने जाए, हुने जाए नहीं। हुने से छिड़काव करते नहीं आवे चाहिए, जैसन हीने से हुने हवा जाते हल्का के, हुने से अगर छिड़काव करते लाने में तो श्वास कर अंदर ज्यादा असर करी, चले हीने से छिड़काव करे हुने भाग भाई जाते जा हुने हवा। उसके बाद बढ़िया से छिड़काव करल कर बाद हाथ पैर के चार पांच बार साबुन से हाथ धोया देखा है, इकर में कोई स्वास्थ्य कर हानिकारक नहीं हुई। नहीं हुई नहीं। हाँ, अच्छा, जैसे कि फल कुछ देखा तो यहाँ पक जा है तो इस सब के तोड़ल से का शिकायत हुई, जैसे कितना दिन का अंतराल में तोड़े चाहिए। हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी बात है कि जैसे दवा एखने छिड़का ली हर तुरते तोड़े ना थे, कम से कम चार दिन या पांच दिन बाद है जो है से तोड़े तोड़े खाए। हाँ, अच्छा, काहे कि जल्दी कर में दवा कर कुछ अंश रहल नहीं, रहल तो चार पांच दिन कर बाद में तो खत्म हो जाए। हाँ हाँ, उकर में मतलब खाल से भी नुकसान नहीं पहुंचा ही नहीं, नहीं तो ऐसा कि हमरे दवाई फिचका दो अब और कहले तोड़ के ले जाओ और खाए दो और नुकसान नहीं हो जाए। नहीं, इसलिए मैं पूछा था कि ये चीज कैसन करल जाए। हाँ, तो है चार पांच रोज कर बाद में तोड़ाई करे चाहिए। अच्छा, यहाँ तक तो जानकारी हो गया।